आखिर क्यों 2011 में आई शाहरुख खान सर की मूवी रावण के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जबकि फैक्ट तो यह है कि प्रेजेंट टाइम में रिलीज हो रही फिल्में भी VFX के मामले में रावण के आगे कच्चे हैं। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में इस मूवी को 150 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। शाहरुख खान के खुद के प्रोडक्शन हाउस यानी कि रेड चिलीज ने इसे बनाया था। 2011 यानी आज के समय से लगभग 10 साल पहले की यह फिल्म अच्छी स्टोरी लाइन और दमदार VFX के सपोर्ट से खड़ी तो हुई, लेकिन इसे पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से रावण 2 अब तक डिले हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद रावण 2 की जरूर डिमांड करेंगे। बेसिकली रावण मूवी की शूटिंग 7 लोकेशंस पर हुई थी, जिसमें से 6 लोकेशन केवल इंडिया की है। महबूब स्टूडियो मुंबई के अलावा रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई, फिल्म सिटी गोरेगांव गोवा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में ट्रेन सीक्वेंस की शूटिंग करी गई थी। इसके अलावा लंदन में 2 जगह पर इसकी शूटिंग हुई है, जिसके बारे में आप आगे जानोगे। यह वाला सीन लंदन के एक कार यार्ड का है। यह सीन आपको मूवी में तब दिखाया गया था जब रावण और जीवन के बीच पहली बार भिड़ंत होती है। इस सीन को क्रिएट करने के लिए फिल्म मेकर्स और VFX टीम ने जान लगा दी थी। इसके लिए 100 से ज्यादा गाड़ियां और 10 हाई डेफिनेशन कैमरे यहां सेटअप करे गए थे, जबकि कई सारे बड़े बड़े क्रेन भी यहां मौजूद थे। अब इस सीन के लिए भी रियल लोकेशन और VFX स्टूडियो की जरूरत हुई थी। सबसे पहले तो क्रेन के सहारे से कई सारे कारों को हवा में रखा गया था, यानी उसे लटकते हुए दिखाया गया। इसी पार्ट में क्रेन के सहारे लटकाकर जीवन और रावण की भी शूटिंग हुई थी। उन्हें हवा में रस्सी के सहारे सपोर्ट देकर फाइटिंग के कुछ पार्ट इस तरह से शूट करे गए थे, जबकि कारों को उड़ते हुए दिखाने के लिए CGI तकनीक का सहारा लिया गया था। वहीं आप उनके VFX वाले सीक्वेंस को भी देख सकते हो। यहाँ वो एक ग्रीन स्टूडियो में एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें कार पर खड़े होते हुए दिखाने के लिए डिफरेंट हाइट पर उसे कुछ इस तरह से स्टूल पर खड़ा करके शूट करा गया था। वहीं से दोनों के मूवमेंट को ट्रैक करके सीन मर्ज कर दिया गया। उसके बाद हमें मूवी में कुछ ऐसा देखने को मिला था। तो मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने जो कपड़े पहने थे वो एक्चुअली रबड़ के बने हुए थे। इसके अलावा उनके कपड़े में कई जगह ट्रैकिंग पॉइंट्स भी थे, जिसकी मदद से उन्हें 11 अलग अलग लेयर्स के मदद से उनके सूट को तैयार किया गया था। इसी ट्रैकिंग पॉइंट की मदद से VFX को एडजस्ट किया जाता था। जीवन द्वारा आग के गोले फेंकने वाले सीक्वेंस को शूट करने के लिए फुटबॉल का यूज किया था, जिसे कि बाद में रिप्लेस करके कुछ हमें इस तरह से दिखाया गया। इस जगह रावण आकाशी के रूप में प्रतीक और सोनिया को चेज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आकाशी का जिसने कैरेक्टर प्ले किया है उनका असली नाम टॉम वू है। वो हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। हालांकि आकाशी के रोल के लिए सबसे पहले जैकी चैन सर को अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। एंड बाद में उन्हें यह रोल मिला जो हांगकांग के सुपरस्टार हैं टॉम वू को। यहाँ पर भी कई तरह की टेक्नोलॉजी यूज किए गए थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आकाशी को जहाँ हम दौड़ते देख रहे हैं वह लंदन के स्ट्रीट का ही सीन है। उनकी सीक्वेंस को सच में लंदन में ही शूट करा गया था। यहाँ आप देख रहे हो कि उन्हें दौड़ते हुए दिखाने के लिए क्रेन के सहारे कार से दूसरे कार पर कूदाया जा रहा है। उनकी इस वाले मूवमेंट को कुछ लोग क्रिस से भी कंपेयर करते थे, क्योंकि यहाँ चेजिंग के दौरान काफ़ी लंबी छलांग वो लगाते हैं एंड इस दौरान कई सारे कार एक दूसरे से टक्कर में क्रैश भी हो जाता है। यहाँ कारों को सेफ्टी मेजरमेंट में रखकर क्रैश कराया गया था, बट जब आप यहाँ कुछ कारों को उड़ते हुए देखेंगे तो पता चलेगा कि वह रियल नहीं थे, उसे CGI से जनरेट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि CGI का फुल फॉर्म कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होता है। इसी सीक्वेंस में दूसरी तरफ सोनिया और प्रतीक को भी 2 तरीके से शूट किया गया, जिसमें से कुछ सीन नॉर्मल स्ट्रीट पर शूट किए गए, जबकि बाकी के जितने भी एक्शन और तोड़फोड़ वाले सीक्वेंस थे उसे एक VFX स्टूडियो में रखकर शूट किया गया, जिसके चारों तरफ ग्रीन बैकग्राउंड आप यहां देख सकते हो एंड बाद में उस सीन को रिप्लेस करके एक रियलिस्टिक टच दे दिया गया था। मूवी का यह ट्रेन वाला सीक्वेंस याद कीजिए, जिसे कि फिल्म के टीजर और ट्रेलर में भी दिखाया गया था। इस वाले सीक्वेंस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में शूट किया गया।
जी हाँ, एक्चुअल में इसे रेलवे स्टेशन पर भी शूट किया गया था, यानी कि कुछ पार्ट को। जब जीवन सोनिया को मुंबई के लोकल ट्रेन में ढूंढ रहा होता है, उसी समय का यह वाला सीक्वेंस है। तो देखिए, इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग दो तरीके से हुई थी, एक जो कि रियल रेलवे स्टेशन पर शूट करा गया था, जबकि दूसरे पार्ट को एक VFX स्टूडियो में बनाया गया था जो कि मुंबई के फिल्म सिटी का ही शूटिंग है। चलती ट्रेन के साथ रियल लोकेशंस वाली शूटिंग को सबसे पहले करा गया था। मेरे कहने का मतलब है कि इस ट्रेन वाले सीक्वेंस जिसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर शूट करा था, तो देखिए इस जगह शाहरुख खान नहीं थे। मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ जो भीड़ दिख रही है और ट्रेन को चलते हुए आप देख रहे हो, वहीं लोग गेट के बाहर लटके हुए हैं, वह सब रियल थे। बट शाहरुख खान के सीक्वेंस को महबूब फिल्म स्टूडियो में शूट करा गया था। इस जगह एक बड़ा सा VFX स्टूडियो है जहाँ की डमी ट्रेन तैयार किए गए थे। आप यहाँ देख रहे हो कि क्रेन और वायर के सहारे शाहरुख खान को सपोर्ट दिया जा रहा है और इसी सपोर्टिंग वायर के सहारे वह सारे स्टंट परफॉर्म भी कर रहे हैं। मेकर्स की टीम ने फाइनल टच के लिए लोगों की भीड़ और बाहरी इन्वायरमेंट को ग्रीन बैकग्राउंड से रिप्लेस करके एक रियल लोकेशन में तब्दील किया गया था। है ना आउटस्टैंडिंग वर्क। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल वाला यह सीक्वेंस याद कीजिए, जब की ट्रेन बेकाबू होकर सड़क पर आ जाती है। यकीनन उस टाइम पर ऐसा सीन शायद ही कोई बॉलीवुड मूवी ने क्रिएट करा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स तो यह है कि इसे बनाया कैसे गया। तो देखिए, इस सीन के लिए टर्मिनल नहीं तोड़ा गया था, जी हाँ, बल्कि VFX टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। इसके लिए VFX टीम ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डमी मॉडल बनाया, जिसे कि कार्डबोर्ड से बनाया गया था। उसके चारों तरफ ब्लू बैकग्राउंड रखे गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को एक खिलौने के साइज में बनाया गया था, मतलब छोटे साइज में, एंड उसके बाद उसके बीच में एक छोटा खिलौना जैसा कि डमी ट्रेन यहाँ आप देख रहे हो उसे रखा गया था, जिसे कि रिमोट कंट्रोल से उस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाले मॉडल से निकाला गया था। बाद में हमें इसे बड़ा करके एंड रियल टच देकर कुछ इस तरह से दिखाया, जिसके बाद का सीन तो देखने ही लायक था। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि शाहरुख खान यानी जीवन उस ट्रेन को रोकता है। शाहरुख खान सर द्वारा ट्रेन रोकने वाले सीक्वेंस के लिए एक बड़े डमी ट्रेन को लिया गया था एंड उसे स्लाइडिंग ट्रैक पर रखकर मूव किया गया। यहां आप लोग देख रहे हैं कि इसे कुछ इस ट्रिक से शूट करा गया था। रावण फिल्म की मेकिंग के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अमेरिका के मियामी शहर को कंसीडर किया था, बट बजट बढ़ने की वजह से शेड्यूल लंदन शिफ्ट कर दिया गया। यूके वाले शेड्यूल को ब्लैक हैंगर स्टूडियोज ने शूट किया था, जबकि इंडिया में इसकी शूटिंग फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियोज और यशराज स्टूडियोज ने करी थी। इस फिल्म की शूटिंग पूरे दुनिया भर में लगभग 15 अलग अलग स्टूडियो में हुई थी, जिसमें से कि इंडिया वाले सेट में 5000 के लगभग मेंबर्स काम करते थे, जबकि फॉरेन की शूटिंग में 1000 से भी ज़्यादा लोग शामिल थे। रावण फिल्म का यह वाला सीन यानी क्लाइमेक्स वाला पार्ट को जो आप यहां देख रहे हो, उसे रामोजी फिल्म सिटी में शूट करा गया था। इसके लिए मेकर्स ने एक अलग से सेट तैयार किया। इस जगह पर हमें अर्जुन रामपाल और SRK की लास्ट फाइटिंग दिखाई जाती है। यह जीवन जिस लेजर गन से रावण को मारता है, वो एक्चुअली एक प्लास्टिक का ग्रीन कलर का जो खिलौना है, खिलौने वाला गन वह था, जिसे कि एनिमेशन से एक लेजर गन में तब्दील किया गया था। वहीं इस ग्लास ब्रेकिंग सीन को भी देखिए, इसी स्टूडियो में इसकी भी शूटिंग हुई थी। यहां आप देखते हो कि शाहरुख खान दौड़ते हुए नजर आते हैं, उसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड भी है। क्लाइमेक्स वाले पार्ट में शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल के रियल फाइटिंग सीन थे, जैसा कि अन्य फिल्मों में फाइटिंग सीक्वेंस की शूटिंग होती है, बिल्कुल वैसा ही। यह एक्शन सीन उन्होंने बिना किसी डबल बॉडी के किया था। यह वाला सेट जो आप देख रहे हैं, यह सेट VFX स्टूडियो के अंदर ही था, बट इसके 60% पार्ट को रियल में प्रिपेयर करे गए थे एंड बाकी की जगह जो आप यहाँ देख रहे हो, ग्रीन पैचेज वगैरह, वो तो थी ही, जिसे VFX टेक्नोलॉजी से फाइनल एडिटिंग में चेंज करके हमें दिखाया जाता है। मूवी में हमें सोनिया यानी करीना कपूर का डबल रोल भी देखने को मिला था, तो आप यहां देख सकते हो कि किस तरह से इस डबल बॉडी वाले सीन को क्रिएट किया गया था। यहां पर एक आर्टिस्ट के चेहरे पर ग्रीन कलर का मास्क लगाया जाता है और कुछ ट्रैकिंग पॉइंट से उनके फेस को दूसरे आर्टिस्ट यानी जिसका डबल बॉडी होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है उसमें।
बाकी जिस चेहरे को रिप्लेस किया जाता है उसके एक्सप्रेशन और बोलने की शूटिंग को एक ग्रीन बैकग्राउंड में पहले ही शूट कर लिया जाता है। दोनों पार्ट को मर्ज करके हमें मूवी में कुछ ऐसा रिजल्ट में हमें परोसा गया था। इस फिल्म को बनाना उतना भी आसान नहीं था, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी थी। फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा एक नया सुपर हीरो बनाना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शाहरुख खान के साथ मिलकर तकरीबन दुनिया भर की 200 सुपर हीरोज वाली फिल्में देख ली थी। जैसा कि सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए अच्छे VFX के साथ एक्शन सीक्वेंस भी होना जरूरी है, तो इसके लिए शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल ने स्पेशल मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। इस मूवी में लगे हार्डवर्क की कदर तब नहीं थी जब इस मूवी को रिलीज किया गया था, बट इसकी वैल्यू 10 साल बाद लोगों को समझ आई जब हमें आदिपुरुष जैसी मूवी के VFX देखने को मिले हैं। इन दिनों रावण 2 के आने की बात भी चल रही है, तो आप हमें बताइए कि आप लोग रावण 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं।